सबसे पहले एक फाइल ले लो, कोई भी एक एक्स्ट्रा फाइल हो गया आपके पास, ठीक है। कैंची की मदद से उसमें से दो सर्कल काट लो, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, जैसा कि तुम्हें पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। एक छोटा उन दोनों को ऊपर नीचे अपने पास में रखना है, फिर एक ब्रश की मदद से बीच में से होल कर देना है, ठीक है। और होल में से एक छोटी सी ब्रश मैंने और ली, दो रबड़ लिए और उस रबड़ को उसके दोनों सिरों पर लगा दिया, ठीक है, जैसा कि आप इस फोटो में देख भी सकते हैं। फिर मैंने उनको उन दोनों होल्स के अंदर डालकर और दोनों तरफ से उसको रास्ता बंद कर दिया ताकि वो इधर उधर निकले ना और आसानी से वो घूम भी जाएँ। फिर एक छोटा सा मैंने कट लगा दिया कैंची से ऊपर नीचे रखने के बाद में, ठीक है। फिर मैंने एक छोटा सा ब्लेड लिया जो शॉर्पनर में आता है, फिर उससे मैंने 5 होल्स बनाए, ठीक है, जिसमें अलग अलग डिटेल्स मैंने भर दी जो हमें चाहिए थी। फिर मैंने जो उसको सेट किया अच्छे से लिखा और इस तरीके से वो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब जिस भी स्टेट के सामने हम इसे रखेंगे उसकी सारी डिटेल हमें एक एक करके पता लगते चली जाएंगी, ठीक है। जैसे हरियाणा के बारे में हमने पता किया तो उसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, ठीक है, उसका एरिया मिल जाएगा हमें, उसकी लिटरेसी रेट मिल जाएगी, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है हमें वो पता लग जाएगा और इसकी पॉपुलेशन कितनी है वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो जिस भी स्टेट के सामने या यूनियन टेरिटरी के सामने हम इसको रखेंगे उसकी सारी डिटेल हमें पता लग जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप भी जाओ जल्दी से और एक ऐसा ही यूनिक ज्ञान चक्र बनाकर लेकर आओ। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।